हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर्स के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 6 5G में आप ऐप लॉक का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऐप लॉक, और यहाँ पे आपको इस वाले ऐप लॉक को इंस्टॉल कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले पैटर्न लॉक सेट कर लेना है। चलिए मैं कर लेती हूँ। पैटर्न ड्रॉ करेंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे, एंड देन यहाँ पे एग्री एंड स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अलाउ कर देंगे, और यहाँ पे आपको जिस भी ऐप को लॉक लगाना है, आपको सिंपली उसके सामने बने हुए लॉक वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे परमिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको जो है ऐप लॉक को इनेबल कर देना है। फिर से परमिट पे क्लिक करेंगे, और फिर से यहाँ से ऐप लॉक को इनेबल कर देंगे। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी ऐप्स को लॉक लग चुका है। तो चलिए मैं सबसे पहले इन्हें अनलॉक कर लेती हूँ। आपको सिंपली ऐप के सामने बने ऐप के नाम के सामने बने हुए लॉक वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अनलॉक, ऐसे क्लिक करके आपको वन बाय वन सभी ऐप्स को अनलॉक कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐप्स अनलॉक हो रही है। तो दोस्तों, अब आपको जिस भी ऐप को लॉक लगाना है, आपको सिंपली उसके नाम के सामने बने हुए लॉक वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है, तो ऐप लॉक हो जाएगी। चलिए मैं आपको प्ले स्टोर को लॉक लगा कर दिखा देती हूँ। ये मैंने गूगल प्ले स्टोर के सामने बने हुए लॉक वाले आइकन के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर को लॉक लग चुका है। चलिए मैं आपको प्ले स्टोर ओपन करके दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, ये प्ले स्टोर है, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर को लॉक लग चुका है। ऐसे आप पैटर्न ड्रॉ करके इसे ओपन कर सकते हैं।